हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपसे पूछने वाले हैं कुछ मज़ेदार सवाल जिनका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और ये रहा आपका पहला सवाल। इमेज को देखकर जल्दी से हमें लड़की का नाम कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए हम आपकी थोड़ा हेल्प कर देते हैं। फर्स्ट वाले को आपको हिंदी में बताना है, सेकेंड आपका यू का यू रहेगा और थर्ड वाले को इंग्लिश में बताना है। और अब तक आप गेस कर चुके होंगे, सर ओज नी यानी सरोजनी। तो चलिए अब जल्दी से पिक्चर को देखकर हमें फटाफट बता भी दीजिए कि कौन से बच्चे को आज अपना घर मिलने वाला है, ए बी या फिर सी। अगर आप सब पता लगा चुके हैं कि कौन सा बच्चा अपने घर पहुंच जाएगा और कौन से दो बच्चे बेचारे घूमते फिरते रहेंगे, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके बता दो। और जैसा आप सब पता लगा चुके हैं कि बच्चे ए को आज घर मिल जाएगा और दो बेचारे अंधेरे में रात भर घूमते फिरते रहेंगे। श्रीवास्तव जी के गार्डन में एक बार वर्मा जी की मुर्गी अंडा देती है, तो बताइए अब अंडा किसका होगा। इस तरह की और पहेलियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंडा ना तो श्रीवास्तव जी का होगा और ना ही शर्मा जी का, बल्कि अंडा मुर्गी का होगा। चलिए आप इस इमेज को देखकर बता दीजिए कि इन चारों में से सबसे अलग कौन है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो इसका जवाब आप यूं चुटकियों से सॉल्व कर दोगे। और अगर आप सॉल्व कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तक आप इसका आंसर गेस कर चुके होंगे कि इसका सही आंसर नंबर दो होने वाला है। और ये रहा आपका अगला सवाल। बताइए इनमें से कौन सी इमोजी दो बार आई है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल रहने वाली है, आप इसे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने ढूंढ लिया है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और ये रही आपकी इमोजी। चलिए अब फटाफट से हमें बता दीजिए कि क्या चीज खाते हुए अगर हम प्याज काटेंगे तो हमारी आंखों से बिल्कुल आंसू नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही काम का रहने वाला है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। च्युइंगम। जी हाँ, अगर आप च्युइंगम खाते खाते प्याज काटोगे तो आपकी आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। तो चलिए इसी बात पर आप फटाफट इमेज को देखकर हमें लड़के का नाम बता दीजिए। तो चलिए हम आपकी हेल्प कर देते हैं। फर्स्ट वाले में आपको देखकर बताना है कि लड़का क्या कर रहा है और सेकंड वाले में ये सिंबल आप किस टाइम दिखाते हो। और आपका जवाब होगा लड़का क्या कर रहा है, रन। और ये सिंबल आपकी जीत, जब आप जीतते हैं तब दिखाई देते हैं, इसीलिए लड़के का नाम होगा रणजीत। तो चलिए अब फटाफट इस इमेज को देखकर हमें इसमें पांच सब्जियों के नाम ढूंढकर बता दीजिए। और साथ साथ अपनी फेवरेट सब्जी हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी सब्जियां होंगी मटर, टमाटर, खीरा, तोरी और गाजर। तो चलिए अब फटाफट इमेज को देखकर हमें मूवी का नाम गेस करके बता दीजिए। हम जानते हैं जैसे ये हमारी फेवरेट है, ऐसे ही आप में से भी बहुत सारे लोगों की फेवरेट होगी। माधुरी दीक्षित और सलमान खान की एक सबसे ज्यादा फेमस मूवी, जिसका एक फेमस सॉन्ग है दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। अरे वाह, आज तो आप बिल्कुल ही सही जवाब दे रहे हैं। और आपका सही जवाब है हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। चलिए फटाफट से इमेज को देखकर हमें अपने फेवरेट सीरियल का नाम गेस करके बता दीजिए। सावधान, क्योंकि ये एक ऐसा सीरियल जो बना ही आपको सावधान करने के लिए है। तो चलिए आप गेस कर लीजिए कि इस लड़के को जेल में क्यों डाला गया होगा, आखिर इसने क्या किया। और आपका सही जवाब होगा क्राइम।
यानी क्राइम पेट्रोल। ये बता दीजिए कि मिर्ची किस मौसम में लगती है? मिर्ची मिर्ची से हमें याद आया कि हमें तीखा बहुत पसंद है, और आप में से किस किस को तीखा पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसके लिए किसी मौसम की जरूरत नहीं, क्योंकि सच बोलने पर हमेशा मिर्ची ही लगती है। तो चलो अब बताओ कि वह क्या है जो गाय के पीछे होता है और औरत के आगे होता है। अगर आपको वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों को बिल्कुल भी उटपटांग सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका आंसर होगा WCOW और WOMAN। आप सभी ने आईफोन तो देखे ही होंगे, तो चलिए अब हमें इन चारों में से चूज करके बता दीजिए किसका रियल लोगो कौन सा है। तो चलिए आपको बता देते हैं, आईफोन में आई का मतलब होता है इंटरनेट। और अब तक तो आपने गेस कर लिया होगा, आपका सही जवाब है सी। और ये रहा आपका आखिरी सवाल, इमेज को देखकर हमें जल्दी से लड़की का नाम गेस करके बता दीजिए। चलिए हम आपकी हेल्प कर देते हैं। फर्स्ट वाले को आपको इंग्लिश में बताना है, और सेकंड वाले को हिंदी में बताना है, और थर्ड वाले को भी आपको हिंदी में बताना है कि एस को हिंदी में क्या कहते हैं। और आपका सही जवाब होगा नी हार इका, यानी निहारिका। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।